आई थिंक जब आपका जन्मदिन होता है आप पहले पार्टी करना चाहते हैं, आप इधर उधर जाना चाहते हैं, बट चार साल से मैं गणपति जी को अपने घर पे बुला रही हूँ एंड आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा सुंदर बर्थडे नहीं हो सकता जिसमें भगवान खुद आपके घर आए और आपके साथ वो टाइम बिताना चाहें, आपके विघ्न लेके जाना चाहें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करना चाहें। आई थिंक इससे बड़ा गिफ्ट आपको पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। जैसे कि हम आपके पापा को देख रहे हैं, जिनका एक दूसरा स्वरूप है, तो आपने इन्हीं को सिलेक्ट किया? मैं जब पापा सिलेक्ट करने जा रही थी, मेरा फोर्थ ईयर है, आई थिंक आपको खुद पता होता है जो पापा रखते हैं अपने घरों में उनको पता होता है कि ये वाला पापा मेरा है इस साल। एंड बिल्कुल वैसे ही हुआ। पहले साल हमने कृष्ण रूपी रखा था, मोर पे थे वो। दूसरे साल मैंने सिद्धि विनायक जी का रूप रखा था, फिर तीसरे साल मैंने विष्णु जी का रूप रखा था। इस बार मेरे डैड ने बोला था कि नहीं, हम हंसों पे लेकर आएंगे उनको, एंड मैंने बहुत ढूंढा, मुझे मिल नहीं रहे थे। एंड ये अभी निकले ही थे, मतलब अभी बन ही रहे थे, इनके हाथ अभी बन रहे थे मिट्टी से। तो मतलब एक कॉलिंग होती है कि आपको यही वाले पप्पा रखने हैं। मैंने देखा नहीं, वो हाथी पे बैठे हुए, वो कहाँ से बैठे हुए, मैंने उनको बस सिलेक्ट कर लिया कि यही मेरे घर आएंगे। आपका अटायर आज वाइट है, आपका डेकोरेशन वाइट है, तो वाइट आपको आई थिंक सफेद एक ऐसा रंग है जो सारे रंगों को लेकर मिलता है, उसी से ही बनता है, तो सबसे प्योर रंग है, पीस का रंग है। सफ़ेद एक ऐसा कलर है जो सारे रंगों के साथ मिलकर बनता है, बहुत ही पीसफुल होता है, बहुत ही प्योर होता है। एंड मुझे लगता है कि जब आप पापा के लिए कुछ भी कर रहे होते हो तो एक मन से जो प्योरिटी निकलती है वो सफ़ेद में अच्छे से निकलती है। साथ ही आज अपना लाइक फोर्थ ईयर है पापा के साथ, और कितने साल हम आपको पापा को देखेंगे? आई थिंक मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैं एक साल रुकूंगी, 10 साल रुकूंगी, 5 साल रुकूंगी, जब तक पापा मुझे काबिल बना के रखेंगे कि मैं उनको अपने घर बुला सकूँ, और जितने समय तक वो मेरी ज़िंदगी में आना चाहेंगे आई थिंक तब तक। यूजुअली लोग बर्थडेज में पार्टीज करते हैं, लाइक क्लबिंग पब्स वगैरह सब जाते हैं, आपने भगवान सिलेक्ट किया तो आप बहुत भगवान सिलेक्टेड। सबने मुझे बोला कि पार्टी नहीं कर रही हो, एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग वर्गोस बहुत सारे होते हैं, सबके बर्थडेज चल रहे हैं, पर मुझे ये लगता है कि ये सबसे ब्लेस्ड बर्थडे होता है जब आपके पास खुद भगवान जी आएँ और वो ही आपको ब्लेसिंग्स देके जाएं। आपकी पार्टी इससे बड़ी क्या हो सकती है जब आपकी गेस्ट लिस्ट इतनी बड़ी हो। सो दैट इज़ देयर, एंड डेफिनेटली ये मेरा फोर्थ ईयर है एंड हर बारी मेरे जन्मदिन पर आता है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा शुभ और सात्विक जन्मदिन मेरा कभी नहीं हो सकता। आप पापा से विशेस क्या मांगते हैं लाइक अपने लिए, और क्या दुआएं मांगते हैं आप? जब मैंने पहले साल मुझे एक्चुअली पता नहीं था, जब मैं बॉम्बे आई थी तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे कितना ज़्यादा शौक है लोगों को, और मैं इतनी मेजमराइज हो गई, मुझे लगा कि मेरे को भी पापा अपने घर बुलाने हैं। और मुझे पता लगा कि गणपति 2 सितंबर को ही आ रहे हैं उस साल, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं पापा को अपने घर लेकर आऊँ, बट हुआ ये कि मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई और लोगों ने बोला नहीं, जब तक मन्नत पूरी नहीं हो तब तक नहीं पापा को बुलाना। आई वाज लाइक कि ये क्या बात है, मतलब आप ब्राइड दे रहे हो क्या भगवान जी को, कि आप ये करोगे तो ही लाऊंगी। तो मैंने बोला ये मुझे आइडिया ही नहीं पसंद है, तो मैंने अपने पेरेंट्स की टिकट बुक करा ली एंड बोल दिया, अनाउंस कर दिया कि नहीं मैं इस साल पापा रख रही हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला, विद इन अ वीक मेरे खुद घर पर आके मैं वीर सिनेमा की 2 फिल्म, मतलब मैंने फिल्म की मन्नत मांगी थी उस टाइम पे, तो एक अर्जुन रामपाल एक रणदीप हुड्डा दोनों की फिल्म्स की स्क्रिप्ट मेरे सामने आई, खुद ही मैंने साइन करी। सो इट वाज जस्ट सच अ ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड एक्सपीरियंस। पर आफ्टर कोविड मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली मैं पापा आप उनसे मन्नत मांग नहीं सकते, क्योंकि उनको आपके लिए क्या बेस्ट है पता ही होता है। तो इस साल मैंने उनके ऊपर छोड़ा है कि जो भी उनको लगता है मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में मेरी ज़िंदगी बढ़नी चाहिए, वो खुद ही चूज़ करें। जैसे कि अभी आपने कहा अर्जुन रामपाल और रणदीप हुड्डा के साथ आपने काम किया है, तो क्या कुछ फन मोमेंट रहा, और क्या कुछ मैंने काम नहीं करा तब उस टाइम पे मूवी साइन हुई थी एंड हम लोग कोविड में शूट करने चाह रहे थे, बट कोविड में लॉकडाउन लग गया। अब हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं वेव्स की एक और फिल्म, और बाकी अभी मैंने शॉर्ट फिल्म करी है अतरंगी में, तो वो सब चल रहा है एंड विल बी शूटिंग इन December 25th, वो भी क्रिसमस है, जीसस क्राइस्ट का दिन, सो आई थिंक कहीं ना कहीं कनेक्शन है। लास्टली आप अपने सभी फैंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं ये कहूँगी कि जो भी आप करते हो मन से करिए. अगर हम मन में भगवान जी को रखते हैं वही सबसे बेस्ट है. आप दिल से कुछ भी मांगिए, भगवान जी आपके हमेशा लाइफ में वो आपकी मन्नत पूरी करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं. जो भी वो आपको दे रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है उस वक्त के लिए. थैंक यू.